बिहार के पूर्णिया में हुआ कबीर सत्संग महोत्सव का आयोजन। कबीर सत्संग महोत्सव का उद्घाटन करने पहुँचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पुलवामा में हुए घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह आतंकियों की कराना हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने की बात करते थे और एक सर के बदले 10 साल लाने की बात करते थे। वही नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो भी घटना हुई है इसकी मुंहतोड़ जवाब देने चाहिए। एक बात हम जरूर कहेंगे, जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं, हम लोग कहते तो हैं शहीद, लेकिन उनको अभी तक शहीदों का दर्जा नहीं। लोगों नीचे कीजिए ना मुहे में। हम लोग चाहेंगे भारत सरकार से जितने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो भी आतंकवादी घटना में या जो भी देश में कुर्बानी देने का काम किया है, उन सबको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो घटना हुई है इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चुनाव से पहले 56 इंच की बात करते थे, जो एक सर के नीचे 10 गला लाने की बात करते थे, 10 सर लाने की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खा के आते हैं। आज चाहे पाकिस्तान से हो या चीन से हो, हमारी देश की सीमा जो है सुरक्षित नहीं है। चीन के लोग तो कई 18-18 किलोमीटर हमारे सीमा के अंदर आकर के परेड करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। सर, मोदी सरकार में 126 जवानों की जान चली गई है 14 से लेकर अब तक। ने कहा है कि 20 सीट से कम मंजूर नहीं है।